मामला सीएस के साथ बदसलूकी का है, सियासत गरमा चुकी है। इधर बता दें आपको, देर रात देवली के विधायक प्रकाश जारवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरतुल्ला के घर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अमरतुल्ला पुलिस की गिरफ्त से फिलहाल बाहर है। अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि वो मंत्रियों के बैठकों का बहिष्कार करेंगे जब तक मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते। कल देर रात पुलिस ने देवली के विधायक प्रकाश जारवाल को गिरफ्तार कर लिया। दो विधायकों पर आरोप है सीएस के साथ मारपिटाई का, बदसलूकी का। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कल देर रात गिरफ्तारी की है आप विधायक प्रकाश जारवाल की, और अमरतुल्ला खान के घर के आसपास भी पुलिस बढ़ा दी गई है, उनकी भी तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक अमरतुल्ला खान पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। जतिन शर्मा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जतिन, प्रकाश जारवाल इस समय कहाँ है? पुलिस ने गिरफ्तार किया था कल देर रात, और अमरतुल्ला के लिए दबिश पुलिस ने बढ़ा दी है, क्या अपडेट आपके पास? आज बिल्कुल, प्रकाश जारवाल जिसे रात पे हिरासत में लिया गया, पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सोर्सेस का कहना है कि जो डीसीपी ऑफिस नॉर्थ है वहां पर उनको रखा गया है, क्योंकि सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन उनको इसलिए भी नहीं लेकर जाया गया है क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो सकती है वहां पर, इसलिए डीसीपी ऑफिस सोर्सेस कन्फर्म कर रहे हैं कि वहां पर विधायक को गिरफ्तार होने के बाद रखा गया है। साथ ही दोपहर के समय उन्हें कोर्ट में भी पेश कर सकती है दिल्ली पुलिस, लेकिन जिस एफआईआर के बिना पर दिल्ली पुलिस ये कार्रवाई कर रही है, उस एफआईआर पर अगर आप नजर डालेंगे तो उस एफआईआर में अमानतुल्ला खान और अदर्स का नाम है। अदर्स में कौन लोग हैं ये अभी साफ नहीं हो पाया। दरअसल जो मुख्य सचिव ने शिकायत दी थी उसके आधार पर ये एफआईआर को दर्ज किया गया था। हालांकि अमानतुल्ला खान को भी हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम देर रात उनके घर जामिया नगर पहुंची थी, लेकिन वहां पर अमानतुल्ला खान नहीं मिले। उसके बाद से ही उस इलाके में दिल्ली पुलिस की एक टीम मौजूद है, उनको इस तरीके की हिदायत दी गई है कि अगर अमानतुल्ला खान वहां पर पहुंचे तो उन्हें डिटेन किया जाए और सिविल लाइन पुलिस स्टेशन लेकर आया जाए, लेकिन अमानतुल्ला खान की लोकेशन अभी तक जो है वो सामने नहीं आ पाई है। तो वही इस गिरफ्तारी को लेकर राजनीति जो है वो भी अब होना शुरू हो गया है।